हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। आज का वीडियो मेरा बहुत ही खास है। फ्रेंड, क्या आपकी भी इडली फूलती नहीं है? क्या आपकी भी इडली खराब हो जाती है? क्या आप हमेशा जब भी इडली बनाते हैं तो क्या इडली कच्ची रह जाती है? तो आज का वीडियो हमारे लिए यही टॉपिक पर है, इसी टॉपिक पर है कि इडली को स्पंजी कैसे बनाए, स्टीम उसका कैसे ठीक से करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, यही ऐसी इडली बनती है आपकी अगर, तो वीडियो इसी खास टॉपिक पर है कि अगर आपकी इडली इस तरीके से बनती है। जैसे देखिए, ये कच्ची इडली है, ये इडली फूली नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पंजी नहीं है, ये स्टीम भी अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसका बैटर आपने अच्छे से नहीं बनाया है, इसलिए ये इडली खराब हो गई है। तो क्या आपकी भी इडली इस तरीके की रहती है? क्या आपकी भी इडली फूलती नहीं है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, आज मैंने सूजी का इडली बनाया है। तो सूजी की इडली बनाने के लिए अगर आप परफेक्ट इडली बनाना चाहते हैं तो एक कटोरी सूजी मैंने लिया है और एक कटोरी सूजी के साथ मैंने हाफ कटोरी दही लिया है। तो एक कटोरी सूजी ले आप और हाफ कटोरी दही ले, उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरीके से मिलाकर 10 मिनट के लिए फूलने दे दें। तो 10 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो बैटर आपका इस तरीके का दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बैटर है फ्रेंड। तो ये बैटर बन गया। अब इसका खास ट्रिक ये है कि इसमें आपको ऐड क्या करना है। इसका खास ट्रिक ये है कि आपको एक इनो का पैकेट डालना है। यही एक टिप्स है इडली को अच्छी बनाने के लिए, तो आपकी इडली कभी भी कच्ची नहीं बनेगी। तो फ्रेंड, आज मैंने सूजी का इडली बनाया है। तो चावल का इडली अगर आपको चाहिए या फिर भरवा इडली चाहिए, स्टफ्ड इडली चाहिए, तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम सूजी की इडली आज बना लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है फ्रेंड। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसे 10 से 15 मिनट में इडली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, एक कटोरी सूजी के साथ हाफ कटोरी मैंने दही लिया था, स्वाद अनुसार नमक, उसमें एक इनो हम मिलाने वाले हैं। ये फ्रेंड, एक इनो मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आपको बहुत ज्यादा इसे नहीं फेंटना है फ्रेंड, आप इसे अच्छी तरीके से मिला लें चारों तरफ मिलाते हुए। और दूसरी तरफ आपको स्टीम के लिए, देखिए फ्रेंड, मैंने कुकर में पानी डाल दिया है। आपको थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड। अब इस पानी को हम उबलने देंगे, अच्छी तरीके से ये उबल जाए, उसके बाद हम इसमें स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड, बैटर को बनाते समय जैसे ही आप सूजी और दही मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, उसके बाद हम हल्का पानी ऐड करके इस तरीके का बैटर बनाएंगे। बहुत ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है फ्रेंड। तो चलिए, अब पानी उबल चुका है तो हम इडली के सांचे में थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल आपको इस तरीके से सब में लगा देना है। अब हम इसमें बैटर को डालते हैं और डालने के बाद 10 से 15 मिनट आपको गैस पर इसे रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बैटर को मैं इस तरीके से भर रही हूँ, इसे पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली ही रखना है इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, बैटर को मैंने इस तरीके से डाल लिया है, आपको भी इसी तरीके से डाल लेना है। अब मैं इसको स्टीम करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, पानी मेरा उबल चुका था, अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। कुकर बंद करते समय आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि कुकर का रबड़ और सीटी आपको नहीं लगानी है, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। अब मैं इसे बंद करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुकर को बंद कर दिया और आंच को बिल्कुल आपको मीडियम रखना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। अब मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं इडली कैसी बनती है। तो फ्रेंड, अगर आप चावल का इडली बनाते हैं तो चावल की इडली बनाने के लिए आपको एक दिन पहले से ही उसे चावल दाल को फूलने के लिए दे देना है, ताकि वो बहुत अच्छा बने, उसका स्टीम बहुत अच्छे से हो। और अगर आप सूजी की इडली बनाते हैं तो उसे इंस्टेंट बना सकते हैं। तो इंस्टेंट बनाने के लिए आपको एक इनो चाहिए। तो मैं बता दूं फ्रेंड की क्वांटिटी जो आप लेते हैं सूजी की, अगर आप हाफ के जी सूजी लेते हैं तो हाफ के जी सूजी अगर आप लेते हैं तो उसमें एक कटोरी लगभग दही लगती है,
और अगर आप 250 ग्राम सूजी लेते हैं तो उसमें एक छोटी कटोरी सूजी लगती है। तो इस तरीके से आप जितनी सूजी लेते हैं उससे थोड़ी कम दही लें। चलिए अब हम इडली देख लेते हैं कैसे बनती है। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं, आप इडली देख सकते हैं कितनी फूली है। और इडली को अगर आपको चेक करना है सही तरीके से तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम छुरी को अंदर डालेंगे तो देखिए पूरा अंदर जा रहा है, ये चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये देखिए ये अंदर जा रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तो मतलब ये आपकी इडली हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी इडली बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी फूली है, ये सूजी की इडली है। आप देखिए ये कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड। अब मैं आपको पहले वाली भी इडली दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पहली वाली इडली है जो हमारी फूली नहीं थी, बिल्कुल कच्ची थी और ये स्पंजी भी नहीं थी, जिसमें मैंने इनो नहीं डाला था। तो इस तरीके से अगर आपकी इडली बनती है, कच्ची बनती है, तो आप इनो को ऐड करें। और इनो को ऐड करने के बाद देखिएगा आपका इडली इस तरीके से बहुत ही स्पंजी बनेगा फ्रेंड, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे इस तरीके से ही बनाएं। तो चलिए अब मैं इसे चटनी और सांभर के साथ सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इडली को मैंने सांभर और चटनी के साथ सर्व किया है, आप देख पा रहे हैं इडली बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड। तो अगर आपको सांभर और चटनी की रेसिपी चाहिए फ्रेंड, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सांभर और चटनी कैसे बनाती हूँ मैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।